करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कहावत को एक बार फिर से बिहार की बेटी संप्रीति यादव ने चरितार्थ कर दिखाया। 24 साल की संप्रीति को गूगल की ओर से 1,10,00,000 रुपए सालाना पैकेज का ऑफर मिला है, जिन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब संप्रीति ने लगातार इंटरव्यू पर इंटरव्यू देती गई और फेल होती गई, उसके बाद उनके पास कोई नौकरी नहीं बची थी। खबर नोखा थाना से आ रहा है, जहां सुअरा के समीप ट्रेन के चपेट में आने से संझौली प्रखंड के समहुता निवासी राहुल कुमार की मौत हो गई, जिनकी उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर जिले के पियर थाना के बंदरा पंचायत के एक गांव में एक युवक को दूसरी शादी करनी महंगी पड़ गई। पोल खुलते ही दुल्हन पक्ष के लोग आक्रोशित हो उठे। दुल्हा और उसके पिता सहित 7 बारातियों को बनाया बंधक। औरंगाबाद जिले के रफीगंज में आम लोगों द्वारा पशु लदे वाहन को पकड़ा गया। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी कर दी। आइए इस पूरे मामले पर अंचलाधिकारी का क्या कुछ कहना है, हम आपको सुनाते हैं। शिवगंज साइड से भैंस आ रहा था गाड़ी पर, और कुछ यहाँ रफीगंज के लोग गाड़ी को रोक दिए थे, और रोकने के कारण जो है कुछ झड़प हुआ। तो प्रशासन जो है इसको गाड़ी को अपने कस्टडी में लिया, और उसी को लेके जो है यहाँ पर दुनिया जिला के पास लोग जाम लगा दिए, जो काफ़ी समझाने बुझाने और प्रशासन के द्वारा और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा समझा बुझा के जाम को। कलयुग का तांडव देखने को मिल रहा है। खाना नहीं देते बेटे बहू मारपीट कर घर से निकाल दिया। प्रताड़ना से तंग आकर बुजुर्ग दंपति ने लगाई गुहार। दानापुर पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए इस मामले को महिला विशेष कोषांग के द्वारा आरोपितों के साथ काउंसलिंग की बात कही। मुंगेर में मामूली विवाद में पति ने शिक्षिका पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। बेटे को फोन करके दी इसकी जानकारी। बिहार में बेखौफ हुए अपराधी। बेगूसराय में बहु भोज की पार्टी से लौट रहे एक युवक को गोली मार कर हत्या कर दी। घटना बलिया थाना क्षेत्र के अवध तिरहुत पथ पर कुर्मी ढाला के समीप की है। शनिवार की रात 3 से 4 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। मौसम का मिजाज बदलने के कारण दिन में राहत, लेकिन रातों को भी अभी भी सताएगी ठंड, लुढ़का पारा। भाजपा विधायक विनय बिहारी और उनकी पत्नी चंचला बिहारी के खिलाफ किडनैपिंग का FIR दर्ज किया गया। विधायक के एक सहयोगी राजीव सिंह को भी अभियुक्त बनाया गया है। तीनों पर पटना के कदमकुआं थाने में FIR दर्ज किया गया। गोपालगंज में दर्दनाक हादसा। थावे मंदिर दर्शन करने जा रहे एक परिवार के ही 4 लोगों को ट्रक ने कुचला। माँ और बेटी की हुई मौके पर मौत।